से लेकर आज देश में बनी है अभूतपूर्व अवस्था। दीदियों की तरफ से कर रहा हूँ, दीदी आपको आशीर्वाद दे रही है, नहीं दिया बल्कि सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया। और कोरोना से लेके अब तक आज इसके कारण इसके बदौलत गांव गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण है प्रधानमंत्री आपके सोच के कारण जो 23 लाख करोड़ जो आपने गांव में अन्य मंत्रालय को छोड़कर के लिए आपने एक संकल्प लिया, 4 करोड़ घर बनाया गरीबों को हासिल करने के लिए, यह यात्रा मील का पत्थर साबित हो। मैं अपने विभाग का एक छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपकी सरकार जब से बनी है आपने गांवों में सब मिलाकर के 23 लाख करोड़, लेकिन यूपीए सरकार में केवल 5.32 लाख करोड़ ही गांव में खर्च किए गए। हर राशन कार्ड में 25 रुपए के हिसाब से 10 किलो आपको ही है। गरीब से गरीब को जोड़ रही है, युवा हो महिला हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, उसमें से मैंने कोशिश की है कि 90% जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जिनको महीने का एक साल में 3 बार 2000 आता है, अब उनको 90% मैंने KCC भी कराया, जो गाइडलाइन हमें ऊपर से एयर किए। उसके बाद है MG नरेगा, तो आप देख रहे हैं MG नरेगा में इस वक्त मेरे को 35 से 40 काम अभी जो है ऑन गोइंग है। उसके बाद SBM में स्वच्छ भारत मिशन में हमने कोशिश की, आप लोगों का तावुन मिला, उसमें भी एक बाथरूम हमारा बन रहा है और नाले खोले जितने भी थे। देखिए मैं सरपंच शाहिद मलिक, पंचायत हलका उदराना ए ब्लॉक भद्रवा से हूँ, जो कि आपके सामने विकसित भारत यात्रा जो हमारी सेकंड फेज की है आज हमारी पंचायत में जो चल रही है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये स्कीमें हमारी पंचायतों का पहुँचाई हैं। खास करके आप अभी देख रही है ना, अब हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं लाइव करके एक मजदूर से पूछ रहे हैं, एक बेनिफिशरी से पूछ रहे हैं कि आपको फायदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट एक बेनिफिशरीज को पूछ रहा है, तो मैं इसलिए इस चीज़ पे अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बात रही दूसरी स्कीमों की, स्कीमें तो हमने तकरीबन 95% अपनी पंचायत में कवर की हैं, थोड़ी सी बची हैं उनके लिए भी कोशिश जारी है। पहली स्कीम में आपको बताऊं कि आयुष्मान भारत कार्ड जो इस वक्त बहुत हर इंसान के लिए एक ज़रूरत है, वो मैंने 95% कवर किया है। उसका सेकंड फेज जो है आभा कार्ड भी मैंने इस वक्त तक 50% कवर किया है। उसके बाद हमारा किसानों की जो स्कीम है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है, वो भी मैंने 95% कवर की है। उसके बाद आवास प्लस की जो मैंने मकान इस वक्त 35 से 40 मकान जो यहाँ के बेनिफिशरीज हैं उनको मिले। उसके बाद कैपेक्स का जो हेड है नरेगा मनरेगा का है, PMJJY का है, ये सारी स्कीमें प्रधानमंत्री जी की हमने, प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से लॉन्च की। और ग्राउंड पे हमारा फ़र्ज़ बनता है, एक पंच का सरपंच का लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि लोग बेनिफिशरीज जितने हैं उनको फ़ायदा मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जिन्होंने देखो अभी जस्ट उन्होंने अभी एक स्कीम स्किल्स के लिए निकाली है, विश्वकर्मा स्कीम जो है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इस वक्त मेरे पंचायत में 55 बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई है, जिनके अब्रोल हम दे रहे हैं, जो स्किल्ड है उनको 3 लाख रुपए तक उनका फ़ायदा मिलेगा और उनके लिए वो किट्स वगैरह हैं उनको भी मिलेगी। ये भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक बड़ा तोहफा है, इसलिए हम अपनी पंचायत की तरफ से अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।